Today we will discuss about human reproduction. Reproduction का ultimate result क्या होता है? Fertilization. और fertilization के लिए ovum और sperm का meet होना necessary होता है. तो किस तरह से ये sperm का formation और उसका release होता है और किस तरह से ये ovum का formation और release होता है, इसी को आज हम लोग देखेंगे. इस चैप्टर को 4 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है. अभी फर्स्ट सेक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फ्रेंड्स, आप जब भी वीडियो देखें तो एनसीईआरटी बुक पास में जरूर रखें. वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी बुक पढ़ें या फिर बुक पढ़ने के बाद वीडियो देखें, आपको काफी फायदा होगा इस वीडियो से. तो फर्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स pair of testes. One testes contain 250 testicular lobules in each testes. Each lobule contains 1 to 3 seminiferous tubules lined by male germ cells and Sertoli cells in a pouch called a scrotum. The space between seminiferous tubules called interstitial spaces contain blood vessels and leading cells, also called interstitial cells. Leading cells synthesize and secrete hormone androgen. Friend, मैंने यहाँ discuss किया है कि male reproductive जो organ है उसमें main organ testis होता है और एक testis में 250 testicular lobules होते हैं और each lobules में 1 to 3 seminiferous tubules होता है और each seminiferous tubules lined होता है germ cell जिसमें कि डिवीजन होगा और स्पर्म का फॉर्मेशन होगा एंड सर्टोली सेल्स. ये सर्टोली सेल्स स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और ये टेस्टिस जो जहां होता है उस पाउच को स्क्रॉटम कहते हैं. अब ये जैसे कि ट्यूब्यूल्स अरेंज्ड है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है इसी को इंटरस्टीशियल स्पेस कहते हैं. तो इसमें फ्रेंड्स ब्लड वेसल्स होते हैं, ये काफी पूछे जाते हैं और बार बार आप लोगों से गलती हो जाती है. तो इसमें ब्लड वेसल्स एंड लेडिंग सेल्स दोनों होते हैं और लेडिंग सेल्स का काम होता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एंड्रोजन. अब जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है तो अब स्पर्म को एक रूट चाहिए ट्रेवल करते हुए, वो डिसेंड करे और सीमेन के थ्रू वो इजैकुलेशन के दौरान बाहर है. तो इसके लिए एक्सेसरी डक्ट होते हैं. इसमें फर्स्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फॉर्मेशन के बाद स्पर्म आएंगे रीड टेस्टिस में, रीड टेस्टिस से वास डिफरेंसिया में, वास डिफरेंसिया से इपिडिडिमिस में, इपिडिडिमिस से वास डिफरेंस में. तो इस सीक्वेंस को आप याद रखें कि किस तरह से ये रूट फॉलो हो रहा है. एक्सेसरी ग्लैंड्स अब होंगे 2 सेमिनल वेसिकल्स, 1 प्रोस्टेट एंड 2 बल्बोरेट्रल ग्लैंड्स. तो फ्रेंड, ये एनसीईआरटी के 2 पेज थे जिसे मैंने आपको 2 सेंटेंस में बताया है. नाउ मूव करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तरफ. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर ओवरीज होता है, एक पेयर ओविडक्ट होते हैं, 1 यूटरस, 1 सर्विक्स एंड वेजाइना. तो फ्रेंड्स, ये काफी आसान है, इसे आप खुद रीड करें. मैं एक यहाँ पे आपको निमोनिक दे रहा हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ कि कैसे आप फेलोपियन ट्यूब के पार्ट को याद रखेंगे. तो यहाँ पे आप कंसंट्रेट करें, ये इज एम इन फीमेल, इज एम इन फीमेल. इसका मतलब है कि यूटरस के जस्ट एडजेसेंट जो पार्ट है वो है इस्थिमस, उसके बाद है एम्पुला, उसके बाद है इनफंडिबुलम और उसके बाद है फेम्बरी. इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, फेम्बरी. फ्रेंड्स, नाउ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है गैमेटोजेनेसिस, चलिए इसे देखते हैं. तो गैमेटोजेनेसिस में जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है आप उसे ध्यान में रखें. गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? तो गैमेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. इसमें कुछ टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म,
स्पर्मियोजेनेसिस, इस सेंटेंस को ध्यान रखें, स्पर्मियोजेनेसिस है, मियोजेनेसिस इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ एंड एस्पर्मिएशन, एस्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो फ्रेंड्स इस टर्म्स को आप क्लियर रखें एंड नाउ ओजिनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। अब कैसे स्पर्म का और ओवम का फॉर्मेशन होता है चलिए इसको देखते हैं। तो एट प्यूबर्टी मेल या फीमेल जब प्यूबर्टी को अटेन करेंगे तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा जिसमें कि स्पर्मेटोगोनिया से क्या होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे बाय द माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन। नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स चेंज्ड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बाय फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इनटू स्पर्मेटिड्स बाय सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय डिफरेंशिएशन, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ ये क्या होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ ओजिनेसिस, ओजिनेसिस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक तो फीटल लाइफ और दूसरा एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो फीटल लाइफ में ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट बनते हैं बाय द माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन एंड बर्थ चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी तक में क्या होते हैं प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनते हैं बाय फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो कि कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, जो कि ओव्यूलेशन के पहले क्या होता है कंप्लीट होते हैं। अब यहां पे आकर ये क्या हो जाएंगे अरेस्ट हो जाएंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगा और जब फिर एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ आएगा तो ये सेकेंडरी ओसाइट क्या होंगे ओवम में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और ये सेकेंड पोलर बॉडी क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से आप देखें, एनसीईआरटी बुक में जाएं, इसको सही तरीके से पढ़ें, फिर मेरे वीडियो को देखें। अब ये जो गैमेटोजेनेसिस है और फर्टिलाइजेशन के बीच है के बीच एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो कि फीमेल में होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसाइड करता है कि स्पर्म को फर्टिलाइज करना है या नहीं करना है। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर, इसका मतलब कि स्पर्म फर्टिलाइज नहीं किया है, और यदि मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है दैट मींस कि फर्टिलाइजेशन हुआ है और इम्प्लांटेशन होने की संभावना है। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक देखिए यहां एक निमोनिक है, मैन फॉल इन वुमेन लव, मैन फॉल इन वुमेन लव, मैन का मतलब है मेंस्ट्रुअल फेज, फॉल का मतलब है फॉलिकुलर फेज जिसको प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं पीएच, वुमेन वुमेन में ओ से होता है ओवुलेटरी फेज एंड लव फॉर ल्यूटियल फेज जिसको सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्लियर करें, ओवुलेटरी फेज पे आप अपने आप को कंसंट्रेट करें क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज पे आपको कंसंट्रेट करने का जरूरत नहीं होगा, ओवुलेटरी फेज पे कंसंट्रेट करें और डिवाइड करें प्री ओवुलेटरी फेज एंड पोस्ट ओवुलेटरी फेज यानी कि फॉलिकुलर फेज को और ल्यूटियल फेज को। तो देखेंगे कि आप ओवुलेटरी फेज में मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स का लेवल क्या होता है रेज कर जाता है, हाई हो जाता है। तो यहां इसको बाउंड्री बनाए और हार्मोन का क्या एक्टिविटी हो रहा है इसको देखें, इंडोमेट्रियम में क्या चेंजेज आ रहे हैं इसको देखें, किस तरह से कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है और रिग्रेस होता है इसको देखें। नाउ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लासेंटा, अब प्लासेंटा से चार हार्मोन सिक्रेट होते हैं एससीजी एचपीएल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी रिलैक्सिन इन प्रेगनेंसी। यहां देखिए कि ये जो दोनों हार्मोन है एससीजी एचपीएल